नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो कि आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपका फ़ोन क्यों इतना हीट होता है, क्यों आपका जो फ़ोन हैंग हो रहा है और स्लो क्यों हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, टिप बताता हूँ आपको। सबसे पहली टिप जो है मेरी वो ये है कि अगर आप अपने फ़ोन को यूज करते हो और वो चार्जिंग से कनेक्ट करके अगर आप यूज कर रहे हो तो ऐसे में आपका फ़ोन हीट होगा 101%। और अगर आपका फ़ोन ज़्यादा हीट होता है तो ऐसे में जो है कि मान लीजिए अगर आप कोई दो तो तीन तीन घंटे आप चला रहे हो, मतलब ज़्यादा ही लोड डाल रहे हो अपने फ़ोन को और कोई हैवी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो ऐसे में भी आपका फ़ोन हैंग होगा और हीट करेगा। ठीक है, तो ऐसे में जो है कि आप अपने फ़ोन का जो कवर रहता है उससे निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे फ़ोन की जो हीटिंग होती है वो नहीं निकल पाती है ना। हीटिंग जब निकल जाएगी तो उसके बाद जो कि फ़ोन हमारा हीट कम होता है। अगर हमारे फ़ोन की हीट जब है वो नहीं निकल पा रही है तो वो जो है कि हीट और होगा, तो ऐसे में आप कवर हटा सकते हो। अगर ज़्यादा हीट होता है तो आप अपने फ़ोन की ढक्कन भी खोल सकते हो, और अगर ढक्कन नहीं खुलती है आपके फ़ोन की, बैटरी अंदर ही आई है, तो ऐसे में जो है कि आप अपने फ़ोन को कुछ ऐसी जगह पर यूज कर सकते हो जहाँ पर जो कि थोड़ा ठंडा हो, जैसे पंखा या कूलर के सामने आप यूज कर सकते हो हवा में, तब वहाँ पर जो कि आपका फ़ोन काफ़ी कम हीट होगा। और जो अगर हैंग होता है, हैंग होने की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और हैंग होने की कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी तो हीटिंग की बात कर रहा हूँ, और अभी मैं बात करता हूँ, अभी जैसे आप मान लीजिए कोई ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन जैसे गेम वगैरह खेलते हो और ऐसे में जो कि आप खेलते रहते हो तो आपका फ़ोन हीट भी होता होगा और हैंग भी होता होगा, यानी कि ठीक है। तो वहाँ पर जो कि आप ऐसा कर सकते हो, उस गेम को जो है कि आप खेलने से पहले जो भी आपके बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं सबको आप क्लोज कर दिया कीजिए, ठीक है, सभी को बंद कर दीजिए। और उसके बाद जो है कि आपको दोबारा से अपना इस गेम को ओपन करना, इससे क्या होगा आपके फ़ोन पे सिर्फ एक ही एप्लीकेशन यूज होगी, वो रहेगी गेम। और जो बैकग्राउंड में यूज होते रहते एप्लीकेशन, तो उससे हमारा डाटा भी जाता रहता है और उनसे जो कि हमारा फ़ोन पे जो कि लोड भी पड़ता है, तो आप एक काम ये कर सकते हो। और उसके बाद अभी मैं बताता हूँ कि आप अपना फ़ोन हैंग होने से कैसे बचा सकते हो। तो अगर आपके फ़ोन की जो स्टोरेज होती है अगर आपने 80% से ऊपर भर के रखी हुई है तो आपका फ़ोन हीट हो सकता है और सॉरी हैंग हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो वो जब इंस्टॉल होते हैं तो कम एमबी के होते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उन एप्लीकेशन की एमबी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ऐसा जब होता है आप उस एप्लीकेशन को जब यूज करते हो तो उसमें जो कि आप कुछ यूज कर रहे हो तो उसमें डाटा बनता रहता है, उसमें आप जो काम कर रहे हो उसका सबका जो कि एक रिकॉर्ड बनता है, तो इससे वो एमबी भी उसका बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो आप एक ये काम कर सकते हो, आप स्टोरेज थोड़ी खाली रख सकते हो, क्योंकि जो एप्लीकेशन रहेंगे उनका जो अब आगे जाके साइज बढ़ने वाला है तो उधर थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आपके फ़ोन में कोई फालतू एप्लीकेशन है, फालतू वीडियोस हैं, फालतू चीज़ें हैं, वो प्लीज़ ज़रूर रिमूव करें, ज़रूर डिलीट करें उन्हें, ओके। और अभी आप अपने फ़ोन में जो फोल्डर देखोगे जाके, एक एंड्रॉयड नाम का एक फोल्डर बन जाता है, तो आपको वो एंड्रॉयड नाम का जो फोल्डर होता है उसे आपको समय पर डिलीट करते रहना है। उसमें क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो एंड्रॉयड फोल्डर जो बनता है वो हमारा इससे बनता है कि हम जो अपने फ़ोन में यूज कर रहे हैं उन सबका वहाँ पे कैच फाइल बन जाती है। भाई मान लीजिए अगर मैं व्हाट्सएप यूज करूँगा या फिर यूट्यूब चलाऊँगा तो ऐसे में तुरंत वहाँ पर जो कि एक एंड्रॉयड फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर दिखा दिया जाएगा हमारा जो यूट्यूब यूज हुआ है, तो उसका वहाँ पर कैच फाइल्स वगैरह दिख जाते हैं, तो आप उसे डिलीट करते रहना, ओके। और अगर आप अपना व्हाट्सएप यूज करते हो, कुछ ऐसे एप्लीकेशन यूज करोगे तो वहाँ पर देखोगे बहुत सारे फोल्डर्स भी बन जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपने एप्लीकेशन तो इंस्टॉल कर दी बट उनके फोल्डर वहाँ पे रह जाते हैं जिसमें वायरस बने रहते हैं, तो आप वो फोल्डर्स को भी रिमूव कर सकते हो, क्योंकि फोल्डर से भी हमारी काफ़ी हद तक स्टोरेज फिर जाती है। सो यही कुछ टिप्स थी, आप इन्हें फॉलो करना, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना आगे कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ। प्लीज़ एक बार वापस आकर के इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।